दूसरा के महुआ तहसील के टिकरी गांव में मूक बधिक पुजारी की मौत का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। मृतक पुजारी के शव को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीना जयपुर पहुंच चुके हैं, तो वहीं दौसा में अलग अलग सामाजिक संस्थाओं की ओर से हर रोज प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच विश्व ब्राह्मण महासभा और राष्ट्रीय सनातन वाहिनी के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। टिकरी जो गांव है दौसा जिले में, वहां एक मूक बधिर एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें सम्बुदयाल शर्मा की लोगों ने षड्यंत्रपूर्ण नीति से हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि उन हत्यारों को तुरंत पकड़ा जाए और जो भूमाफियाओं द्वारा जो षड्यंत्र किया गया है उसका राज्य सरकार द्वारा खुलासा हो, 50 लाख रुपये उन्हें आर्थिक सहायता के लिए आवंटित किए जाएँ और उनके परिवार में से एक कर्मचारी को किसी को नौकरी दी जाए। इसके लिए हम माननीय जिला कलेक्टर दौसा को एक अपील करने आए, निवेदन करने आए हैं और ज्ञापन देने आए हैं कि इस अपील को स्वीकार करें और राज्य सरकार तक उच्च स्तर तक इसको पहुंचाएं। मैं राष्ट्रीय सनातन वाहिनी का संस्थापक 1008 सर्वानंद हरे कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी। हम चाहते हैं कि सम्मानपूर्वक जो बॉडी है उसका संस्कार की जो इनके समाज के हिसाब से जो है वो कर रहे हैं, लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं और हम ये बार बार इसका निवेदन कर चुके हैं जो सामने वाला पक्ष है उनको, लेकिन अब वो मान नहीं रहे। तो अब हम ये डेलीगेशन को भेज रहे हैं कि इनको बॉडी सपोर्ट करें। पेज कौन फंसा हुआ है सर? नहीं, वो बार बार कोई वार्ता में कुछ भी जिसमें अड़चन आ रही है उसमें हम आपसे नहीं। दरअसल दौसा के टिकरी में मूक बधिर पुजारी की मौत के बाद 3 अप्रैल से ही लोग शव लेकर धरने पर बैठे हुए थे। आरोप है कि भू माफियाओं ने पुजारी की जमीन को हत्या लिया था, जिसके बाद पुजारी की सदमे से मौत हो गई। इस मामले में सांसद किरोड़ी लाल मीणा शव को लेकर पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सांसद मृतक पुजारी के शव को लेकर जयपुर पहुंच गए, जिसके बाद से ही दौसा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब लोग लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तफ्तीश अभी भी खत्म नहीं हुई है। एक हफ्ते बाद भी न्याय न मिलने से अब स्थानीय लोगों में भी रोष बढ़ता जा रहा है। तमाम सामाजिक संस्थाएं लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में कब तक पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। पंजाब की सी टीवी के लिए दौसा से HN पांडे की रिपोर्ट।